एवरीवन, वेलकम टू द लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के न्यू फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये इतना बड़ा चेंज 34 इयर्स बाद आया है, तो 34 ईयर बाद गवर्नमेंट को लगा कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने का। तो इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है, हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हमने रीनेम करके क्या रख दिया गया है इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो ये इंडिकेट करता है कि अब जो है इसका फोकस, यानी इस मिनिस्ट्री का मेन फोकस जो है वो एजुकेशन एंड लर्निंग पर होगा। तो नेक्स्ट, इस पॉलिसी के थ्रू स्कूल एजुकेशन में काफ़ी बड़ा चेंज आया है। गवर्नमेंट ने 10+2 के सिस्टम को अब 5+3+3+4 के से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले 10th के बाद स्टूडेंट को आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम को चूज़ करके उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। उसके सब्जेक्ट भी पसंद है, तो वो अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स के साथ पोल साइंस एंड संस्कृत भी या हिंदी वगैरह लेके पढ़ सकता है। अगर कोई कॉमर्स का है तो उसे अकाउंटेंट के साथ साथ अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाह सकता है तो वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट खुद डिसाइड कर सकता है। तो ये इस एजुकेशन सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये बहुत ही स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उनकी सब्जेक्ट चॉइसेस में। इस न्यू सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्रीली एंड सेफ एंड हाई क्वालिटी प्री स्कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उनको आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में भेजा जाएगा, जहाँ पे वो स्टार्टिंग के 3 साल तक वो सिर्फ एक्टिविटीज सीखेंगे या फिर उनको सिर्फ सिखाया जाएगा उठना बैठना, इन सारी चीज़ों की एक्टिविटीज सिखाई जाएगी, जिसका एज ग्रुप जो है वो 3 to 5 years का है। मतलब 3 साल तक, स्टार्टिंग के थ्री से एज तक जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में जाएंगे प्री स्कूलिंग के लिए। पहले बच्चों को 1st to 8 तक जो है फ्री एजुकेशन मिलती थी, पर अब बच्चों को क्या कर दिया गया, 1st to 12 तक जो है उनकी ग्रेड तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस न्यू पॉलिसी के थ्रू। जो हमने देखा था अभी 5+3+3+4 का सिस्टम, तो ये सिस्टम है क्या और इसके अंदर क्या क्या होता है? तो ये एक तरह से 4 stages है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है 5 years की रहेगी, सेकेंड स्टेज 3 years की, एंड थर्ड स्टेज भी 3 years की, एंड फोर्थ स्टेज जो है 4 years की रहेगी। तो इन सारी अलग अलग स्टेजेस का नेम है, जिसके अंदर मगर फर्स्ट स्टेज देखें तो फर्स्ट स्टेज का नेम जो है वो फाउंडेशनल स्टेज है, सेकेंड स्टेज का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज में जो है एज ग्रुप जो होंगे बच्चों के 3 to 8 रहेंगे, जिसके अंदर 3 to 6 तक उन्हें प्री स्कूलिंग दी जाएगी आंगनवाड़ी और प्री स्कूल्स में या बाल वाटिका में। उसके बाद 6 to 8 जो है उनका grade 1 and 2 पढ़ाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में प्रिपरेटरी स्टेज में उनको प्ले यानी कि खेल कूद की एंड डिस्कवरी की एक्टिविटी बेस्ड जो है इंटरेक्टिव क्लासरूम्स दी जाएगी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड उनको लर्निंग सिखाई जाएगी। थर्ड स्टेज में क्या है, मिडिल स्टेज में जो एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे अब उनकी 11 to 14 एज हो जाएगी, और ग्रेडिंग ग्रेड जो है उनका 5 to 8 यानी कि 5 to 8 क्लास का उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर उनकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब साइंस की टेक्निक सिखाई जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल बेस ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा थ्योरी बेस से ज़्यादा, मैथमेटिकल एंड आर्ट्स एंड सोशल साइंस, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेज में बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट आता है वो उसको चॉइस कर सकता है अपनी सेकेंडरी स्टेज के लिए। तो सेकेंडरी स्टेज में जो एज ग्रुप के होंगे वो 14 to 18 एज के बच्चे होंगे, और ग्रेड जो इनकी 9 to 12 यानी कि 9th to 12th क्लास का इनमें पढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होगी, मतलब बच्चे का चॉइसेस जो है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो कोई भी सब्जेक्ट को चॉइस कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, उसको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी थिंकिंग बेस्ड उनको लर्निंग सिखाई जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनकी चॉइसिस ऑफ सब्जेक्ट्स में। तो ये थे हमारे 4 stages, और पहले का स्टेज तो आपको पता ही है 10+2 सिस्टम में, जिसमें हम सिर्फ हर साल बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। तो नेक्स्ट हम बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स के बारे में भी देखेंगे एंड कॉलेज एग्जाम्स के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम की बात करें तो स्कूल एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 levels पे ही होंगे। तो अगर जो बोर्ड एग्जाम्स हम देखते थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 levels पे होंगे, जो क्लास 3rd, 5th and 8th, यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारी क्या थी, फाउंडेशनल स्टेजेस, उसके अंदर 5 साल का था। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर क्लासेस में हर ग्रेड में एग्जाम्स हो, सिर्फ 3rd class में,
फिफ्थ क्लास में, और उसके बाद फाइनली एट्थ क्लास में। इन तीन क्लासेस में ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स होंगे, यानी कि हर साल के एंड में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको एग्जाम देना है तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले बुक्स उठाने की देखनी नहीं, आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। हर तरह से डेवलप होना पड़ेगा, थिंकिंग में भी आपको थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी, साइंटिफिक थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, तो आपको स्किल्स जनरेट करनी पड़ेगी, तभी आप प्रमोट किए जाओगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दिन पहले बुक्स उठाई और पढ़ लिया। तो जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है कि आप पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप प्रमोट किए जाओगे। तो अब इस पॉलिसी में एनकरेज की जाएगी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब बच्चे को एबिलिटी होनी चाहिए थिंकिंग की, क्या सही है क्या गलत है, कौन से एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लिया, हर तरह की उसकी थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ करे, डेवलप करे अपने ब्रेन को, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब अगर किसी बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो किसी और को पढ़ा सकता है, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए उसके कॉन्सेप्ट में। बोर्ड एग्जाम विल बी डिजाइन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हमने अभी देखा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब बच्चे की सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज या ग्रेड कार्ड्स पे या मार्क्स पे नहीं डिपेंड करेगी, उसकी फिजिकली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट को देखा जाएगा पूरे होल ईयर। वो बच्चा खुद भी इवेल्युएट कर सकता है उस चीज़ को, उसके साथ के स्टूडेंट्स भी करेंगे और टीचर्स भी देखेंगे। तो इस असेसमेंट को देखने के लिए एक न्यू इस्टेब्लिश की गई है, न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है परख के नाम से, जिसका है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक डिपार्टमेंट जनरेट किया गया है एक, जिसके अंदर बच्चे की ये चीज़ें देखी जाएगी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को नोटिस किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन, तो अब जो बोर्ड एग्जाम्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल लिए जाएंगे ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। तो मतलब पूरे स्कूल में आपको बोर्ड एग्जाम सिर्फ 2 ही बार देने पड़ेंगे, एक तो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जब सब देंगे, और दूसरा अगर आप चाहते हो उसको इम्प्रूव करना, उसके मार्क्स को या कोई भी डेवलपमेंट को, कोई भी ग्रेड्स को, तो आप अगर चाहते हो तो आप दूसरी टाइम दे सकते हो, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार होगा। तो हायर एजुकेशन में क्या होगा कि हायर एजुकेशन में जैसे कि हमने देखा था NTA विल कंडक्ट, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करेगी कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। तो जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके से साल में 2 बार होंगे और सिर्फ कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होंगे, कोई अलग अलग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपको बैचलर्स में या मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो पूरे साल में सिर्फ 2 बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, और ये बाय 2022 तक अप्रूव होने के चांसेस है, मतलब इम्प्लीमेंट होने के चांसेस है। अब बैचलर्स डिग्री, इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है, जो बैचलर्स डिग्री आप 3 साल की पढ़ते थे वो अब 4 ईयर्स की हो जाएगी, बट 4 ईयर्स में भी आपको काफ़ी बेनिफिट है। अगर आपने 1 साल पढ़ लिया, अब आपको लगता है आपको इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं है या आपको कुछ और करना है, आपको छोड़ना है, तो आप एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 ईयर का, हाँ आपने ये चीज़ें सीखी हैं, आप उस सर्टिफिकेट के साथ उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने 2 साल बाद आपको छोड़ना है, आपको कुछ और करना है या जॉब करनी है, तो आपको उसके साथ डिप्लोमा भी मिलेगा 2 साल करने के बाद। अगर आप थर्ड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर 4th ईयर पूरे कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, साथ में रिसर्च भी, मतलब रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी। ये तो बेनिफिट है ही, और अगर आपने बीच में कभी छोड़ दिया और आपको फिर से वो कोर्स ज्वाइन करना है ड्रॉप आउट करके, तो ऐसा नहीं आपने 1 साल पढ़ लिया आप दोबारा से ज्वाइन करोगे तो आपको वो साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। आपने जहाँ से छोड़ा है यानी कि जहाँ से ब्रेक लिया है वहीं से वापस से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इस पॉलिसीज के अंदर आया है, इससे बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। और एक है MPhil डिग्री जो है उसको डिसकंटिन्यू कर, मतलब जो लोग जाते हैं रिसर्च में PhD करते हैं उसके बाद MPhil भी करना पड़ता है रिसर्च में आगे जाने के लिए, MPhil बेस्ड भी होता है, तो अब MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब MPhil डिग्री को हटा दिया गया है, अब आपको PhD करनी पड़ेगी और PhD के बाद आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी पॉलिसीज थी, तो अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड स्टेप, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने से। इससे हर एक स्टूडेंट जो है वो स्किल्ड होगा, ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया और तुम्हें कुछ आता नहीं है, लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर स्टूडेंट को हर तरह से इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो हमने मेन मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।